आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। बांद्रा मुंबई बांद्रा फूड सेंटर रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई। उद्घाटन में मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री छगन भुजबल साहब ने शिरकत की और उद्घाटन करे। दुकान की ऑनर दिव्यानी बेंद्रे मैडम शब्बीर शेख ने सभी का स्वागत किया। MRQ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम मेंबर्स भी आए। साथ ही खटिकसारा फाउंडेशन की टीम के अध्यक्ष नावेद जाधव साहब ने भी आकर शुभकामनाएं दी। विद्याताई चौहान MP ने भी ढेर सारी बधाइयां दी। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीत जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ बांद्रा फूड सेंटर में शास्त्री नगर में आज जानी मानी हस्ती छगन भुजबल जी, जो एक्स होम मिनिस्टर रह चुके हैं। आइए पूछेंगे कि बांद्रा फूड सेंटर के लिए ये क्या शुभकामनाएं देंगे। मैं यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। जो बांद्रा फूड सेंटर जो हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई की एक चित्रपट शाखा जो नेता है और शब्बीर भाई, दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस में कदम रखा है। आजकल आप सभी लोग देखते हैं कि मुंबई शहर की एक तो आबादी तो बढ़ रही है, और जहाँ तक मैं सुबह से जो है सोच रहा था कि कितने लोग अपने घर में खाना खाते होंगे और कितने लोग बाहर जो मिले वो अच्छा मिले, सस्ता मिले, खाकर जी रहे हैं। तो 25% तो कम से कम हो गए। अभी भी ऐसे तो 1.25 करोड़ की लोक संख्या है, और ये जो आने वाले जाने वाले जो है वो लोग तो अलग है। तो इन सबके लिए जो है काफी कोई बिजनेस कम ज़्यादा हो, मगर अगर कोई अच्छा खाना देता है, फास्ट फूड देता है, तो वो चलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों को भी क्या फास्ट फूड चलते चलते खाना, आजकल समय कहाँ है भाई। तो मशीन की तरह जो है हमारा सारा जीवन बन गया है मुंबई वालों का। क्या सुबह को इतना उठना है, 6:15 की ट्रेन पकड़ना है, 9 बजे ऑफिस में छोड़ना है, ये टाइम टू टाइम चलता है, जो मिले वो खाए। इतनी बात है कि भाई ठीक रहे, खाना ढंग से रहे, और उसके जो दाम भी है वो सभी लोगों के लिए वो अच्छे रहे तो ठीक है। महंगा है तो उन लोग तो ताजमहल में जाएंगे, यहाँ तो गरीब लोग आएंगे। तो इन सब के लिए जो एक अच्छा फास्ट फूड सेंटर यहाँ खुल गया है, और मैं मेरे तरफ से इन सब लोगों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फास्ट फूड सेंटर इतना ही है, ऊपर वाले मेहरबानी हो और ये बढ़ता रहे और एक चैनल तैयार हो, एक नहीं 10 फास्ट फूड सेंटर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बेहतरीन बात तो ये है कि कई सालों बाद बांद्रा विभाग में आपके कदम यहाँ पे आए हैं। ये सब में आपके कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के लिए आपके कार्यकर्ताओं को, आपके NCP के जो भी है यहाँ के, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब बुलाते हैं मेरे कार्यकर्ता और मुझे समय है तो मैं ज़रूर जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाता हूँ। एक समय होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आज भी हमारे ऊपर है, तो वो सारे देखते हुए कई जगह जाना होता है, कई जगह नहीं होता। मगर अगर कार्यकर्ता कुछ कार्यक्रम के लिए बुलाए तो मैं ज़रूर जाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जाकर हमारे कार्यकर्ताओं की इज्जत बढ़ाना हमारा काम है। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। दोस्तों आज हम लोग मौजूद है बांद्रा ईस्ट गुरु नानक हॉस्पिटल नियर बाय और होल मार्क के अपोजिट में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसका नाम है BFC बांद्रा फूड सेंटर, और उसकी ऑनर है
जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, अल्लाह ने उनको खुद ही बहुत ज़्यादा रुतबे पे फैज है, और ख़ास तौर पे वो एनसीपी की मुंबई अध्यक्ष है जिसको सभी जानते हैं, दिव्यानी मैडम के साथ में मौजूद है। और दिव्यानी मैडम जिस तरह से काम करते हैं और सबको उनका काम नज़र आता है, तो उसी तरीके से आज मैडम ने एक जैसा गरीबों के लिए योजना रहती है, जिस तरह से लोग बोलते हैं सिर्फ टेलीविज़न पर या आप लोग बोलते हुए सुनते हुए नज़र आते होंगे कि लोग बोलते हैं कि मतलब शुरुआत करना चाहिए या गरीबों का मतलब काम होवे या मतलब रोज़गार मिले, तो उसी तरीके से आज हम लोग को जिस तरह से पता चला और हमने मैडम से पूछे तो मैडम ने बोले कि मैं रोज़गार और साथ में गरीबों को खाना प्रोवाइड होवे करके एक होटल खोले उन्होंने, रेस्टोरेंट। तो आज हम लोग मैडम से पूछना है, मैडम आप क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से आपने इस होटल के बारे में सोचे और आगे बढ़ चढ़ के आपने इसका काम सफल तरीके से ओपनिंग करवाया आज, तो क्या बोलना चाहोगे? यानी बेंद्रे चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की मुंबई अध्यक्षा, आज आप लोगों से मिलके बहुत खुशी होगी। अजीज साहब, आपने मुझे बोलने के पहले आपने सब मेरा रास्ता खुला कर दिया, क्योंकि हम बताते हैं, हम दिखाते हैं, हम समझाते हैं, तो वैसा नहीं है। आज हम समझाने, दिखाने, बताने के बाहर चले गए, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी कृति में दिखाना है, और वो कृति हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने जो हमें सीख दी है, उनको मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने एक भाषा बहुत अच्छी की कि महिलाओं का सम्मान, दूसरा महिलाओं के लिए शिक्षण और महिलाओं के लिए रोज़गार। तो आज मुझे बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी कमेटी चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की, जो ज़्यादा महिलाओं की तादाद में पड़ी हुई है, और उन्होंने कहा कि दिव्यानी जी हमें, मैडम हमें कुछ आपके साथ करना है, अलग एक नींव रखनी है। तो मैंने उनको कहा क्या कर सकते हैं, तो मुझे आज ये खुशी हुई बताते हुए कि मेरे साथ आज जो MRQ एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के M कुरैशी साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी एक हफ्ते पहले, और मुझे कुछ चीज़ों का अंदाज़ा ऐसा हो गया कि एजुकेशन के साथ साथ ये लोग अन्नदान करते हैं। फिर मेरा दिमाग चला कि अन्नदान और एजुकेशन दोनों का मिलाप कैसे हो सकता है। एजुकेशन करने से आदमी थोड़ा खिसे से कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको खाना मिले नहीं मिले, उसको शिक्षण लेने के लिए शिक्षण संस्था के लिए पैसे मिले नहीं मिले, लेकिन वो कुछ भी करके सीखता है और सीखने के बाद अपनी रोज़ी खुद बनाता है। तो ये इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, कुरैशी साहब उनकी टीम बहुत सराहनीय है, और आपका रुतबा देख के मैंने कहा कि नहीं, अगर ये एजुकेशनल करते हैं तो हमें अन्नदान की तरह कुछ करना चाहिए। आज फ्री तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे भी सबकी परिस्थिति सेम ही है, तो हम यह आज एक बिड़ा उठाए कि नहीं, हमें कॉस्ट टू कॉस्ट खाना लोगों को देना है, और वो देने के लिए शब्बीर जी और मेरी रुबीना जी, नसरीन जी, दिनेश जी, रमीला जी और नसरीन जी, और बहुत सारी मेरी महिलाओं ने तादाद के साथ कहा कि मैडम हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ भी कम पड़ा तो हमें बता दीजिए, और एजुकेशन के साथ साथ मैं आपके साथ अन्नदान के हिसाब से ही ये होटल खोली हूँ। BFC है, यानी बांद्रा फूड कॉर्नर, और शब्बीर साहब ने इसका मुझे सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं उनका भी शुक्र अदा करती हूँ। और इसी के साथ कहना चाहूँगी, राष्ट्रवादी जिंदाबाद। यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, MRQ ट्रस्ट के लोग यहाँ पे मौजूद है, तो हम उनसे भी दो दो शब्द सुनना चाहेंगे कि मैडम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं वो लोग। तो जिस तरह से शब्बीर भाई भी है यहाँ पे, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि हमारी माननीय महोदया दिव्यानी बेंद्रे जी ने हम सबको यहाँ पे बुलाया है, और एक बहुत ही अच्छा काम उन्होंने सोचा है, और जो आगे आज ही उन्होंने ओपनिंग किया है, इस एक अच्छे काम से काफ़ी लोगों को, काफ़ी गरीबों को और कई लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं आप सबका आभारी हूं जो आप लोगों ने यहां आकर के इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी है। यहाँ पे दिव्यानी मैडम की पूरी टीम और NCP ग्रुप पूरा जो पार्टी है, और वो सभी लोग यहाँ पे एक मेजोरिटी के हिसाब में पूरे मौजूद है। हम तुम्हारे साथ हैं, दिव्यानी मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम है हमारी दिव्या मैडम की, मतलब
हम थके नहीं जाते इतने, कुछ भी हमें काम होता है एक फ़ोन पे हमारे घर पे पहुंच जाती है और हमें हर चीज़ का अच्छा सपोर्ट करती है, घर पे बुलाते हैं, हर फंक्शन में हमें हाजिर करते हैं, हमारे पीछे बिना आगे नहीं बढ़ते और हमें सपोर्ट करते हैं। दिव्यानी बेंद्रे मैडम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें साथ लेके चलती है। यस आना जी, हेलो, हमारी दिव्यानी मैडम की तारीफ में हम जितना कुछ कहे उतना कम है। और बाय द वे सब जो कुछ हम डिसीजन लेते हैं डिस्कस करते हैं उनसे पूछे बगैर आगे नहीं बढ़ते, ना ही बढ़ेंगे, डिस्कस किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात है, हम तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसाना है। हम लोग का ये बेस चल रहा है, जैसे ये हमारी अभी होटल की ओपनिंग हुई है, हमारे मैडम दिव्यानी बेंद्रे और हमारे शब्बीर भाई जो हम लोग को सपोर्टिंग करते हैं, हम ये सारी महिला है, हमारे पास जो काम आता है वो काम हम करते हैं और काम लाके हमारी मैडम हमको देती है। और हम ये सोचते हैं कि आज हम इतनी लेडीज़ है जो ये हमारा काम है, गरीब योजना लेके चलना, लेडीज़ों का हर काम पूरा करना, जिनको कोई चीज़ की ज़रूरत है जो मिलती नहीं है वो मिलना चाहिए, तो हमारी दिव्यानी बेंद्रे जो मैडम है वो करती हम लेडीज़ों के लिए काम। तो हम लेडीज़ों, यही मेरा अपील है कि जितनी लेडीज़ है और हमारे साथ जुड़े और हमारी ये जो कार्यकर्ता है और बढ़े और हमारी मैडम के साथ जुड़ के हमें सपोर्ट करे। ये जो होटल से इंशाल्लाह हम लोग ये दुआ करते हैं कि जो होटल है एक नहीं 10 खुले, ताकि हमारी मैडम और आगे बढ़े और हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। मेरा नाम एडवर्ड स्वामी है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ, जिला के उपाध्यक्ष है। लेकिन मैं जब से पार्टी बना तब से मैं हूँ, लेकिन इस तरीके से हमारे जो देवानी मैडम हैं जो मुंबई के संस्कृत विभाग के लेडीज़ के मुंबई अध्यक्ष है, इन्होंने जो कार्य शुरू किया, इन्होंने जब से पार्टी में मैं देख रहा हूँ कि मेरा नज़रिया है कि आए जब से कुछ ना कुछ कार्य करते रहते पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, और ज़्यादा करके गरीब लोगों के लिए उनका ध्यान ज़्यादा होता है। और कार्यकर्ता के साथ जोड़ना है, उनसे सीखना चाहिए कैसा किसी को आदर या रिस्पेक्ट देना, इनसे सीखना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इनको सबसे पहला मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा अभिनंदन है इस बात के लिए कि इनका धंधा और बढ़े, ये इनके लिए ऊपर वाले ने कुछ कमी नहीं दी है, लेकिन ये लोगों के लिए कुछ कर रही है, उसका वजह से 10-15-20 लोगों का और फ़ायदा होगा। और आगे चल के मेरा एक प्रार्थना है कि इनका और ये कामयाबी रहे और धंधा बढ़े और ऐसे लोगों को जुड़ाते रहे, पार्टी को मजबूत करने के लिए इनका जो प्रयास है वो हमेशा चलते रहे और हम उनके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।